आइए दोस्तों आज के उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और सभी प्रमुख मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए अब माध्यमिक शिक्षा में भी बनेंगे मॉडल स्कूल। शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। मंत्री ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर निर्देश भी दिए। अफसरों के कार्य क्षेत्रों में भी बदलाव हुआ। अच्छा अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के शस्त्र लाइसेंस अब निरस्त किए जाएंगे। हरदोई में डीएम ने बैठक करके चेतावनी दी, प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी वंचित रहेंगे, यानी कि पराली जलाने वाले किसानों को अब सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलेगा। अच्छा मध्य प्रदेश के इंदौर के स्वच्छ मॉडल की तरह उत्तर प्रदेश के भी सभी शहरों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जाएगा। मथुरा, वृंदावन, झांसी, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, फरुखाबाद, कुशीनगर, मुरादाबाद समेत सभी शहरों का स्वच्छीकरण किया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। अच्छा वह देखिए, बुलंदशहर में 10,000 लोगों को मिलेगा सीवर कनेक्शन। 2018 से चल रही है ये योजना, अब पूरी होने वाली है। अब टोटल 25,000 घरों को कनेक्शन देने का प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। वह देखिए, यूपी में 8,00,000 और ग्रामीण गरीबों को भी मिलेगा खुद का घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मुहर भी लगा दी है, यानी कि यूपी में लगभग 8 से 8.5 लाख और नए पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार ने यूपी राज्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि यानी कि बजट भी मंजूर कर दिया। यूपी के सीएम ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार भी जताया। साल 2024 तक ये सभी पीएम आवास योजना के मकान बनकर तैयार कर लिए जाएंगे। वही देखिए दोस्तों, शादी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा कि आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र वैधता का सबूत नहीं है। हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू धर्म की शादी परंपरागत दोनों पक्षों की सहमति और साथ ही शादी समारोह में होनी चाहिए जिसमें सारी रस्में पूरी की हुई हो। अच्छा अगला अपडेट देखिए, योगी आदित्यनाथ आजकल गुजरात दौरे पर हैं। वहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने रैली की और कहा कि कांग्रेस ने आप, भाजपा देगी साथ। अच्छा यूपी के विकास पर भी अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, कुछ जिलों में विकास किया जाएगा, जैसे हापुड़ में 20 करोड़ से बनेगा एक स्टेडियम। 25 एकड़ भूमि भी इसके लिए चिन्हित की गई है। ये जिले का पहला स्टेडियम होगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। हापुड़ में खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। वहीं के लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का टेंडर भी जारी हो चुका है। इस रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इसको ग्लोबल बनाया जाएगा। 400 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे। अच्छा गोरखपुर शहर में भी 138 नई सड़कें बनाई जाएगी। शासन ने नगर निगम से मांगी आगणन की रिपोर्ट। अगला अपडेट आ रहा कि नोएडा और दिल्ली के बीच सफर और भी आसान होगा। एक्वा लाइन मेट्रो की नई लिंक लाइन की तैयारी भी सरकार कर रही है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मेरठ में टाटा कंपनी का नकली नमक बनाने की फैक्ट्री का खुलासा सामने आया। यहां पर टाटा के लोगो और पैकिंग की तरह नकली नमक पैकेट में बेचा जा रहा था। टीटा नमक को टाटा के नाम से पैकिंग में बेचा जा रहा था। तो यहां पर देखिए, मतलब लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, गौतम बुद्ध नगर से होगा 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एमओयू में होंगे साइन। 3 तरीकों से पूरा होगा लक्ष्य और इस योजनाओं से 1,50,000 नौजवानों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। अगला अपडेट आ रहा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के मौके पर अब 24 के बजाय 28 नवंबर को रहेगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये सार्वजनिक छुट्टी को लेकर नोटिस जारी किया। अच्छा वही देखिए, संबल में 7 अवैध भट्टे पर चला बुलडोजर, ईंटों को भी किया गया नष्ट। एसडीएम बोले कि आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। वैसे लखनऊ में भी बुलडोजर गया था कुछ अवैध कब्जों को हटाने के लिए, लेकिन लक्ष्मी मार्केट में अचानक 500 लोग आ गए। बिल्डर बोला कि पहले से प्रोग्राम फिक्स था, तो फिर बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। अच्छा वही देखिए, यूपी में 5 साल में बढ़ गए 111 नगरीय निकाय और 1985 वार्ड भी। जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी। मैं आपको बता दूंगा यूपी के सारे न्यूज अपडेट इसी चैनल के माध्यम से। वही देखिए बड़ी खबर, जल कल सीवर टैक्स के बकायेदारों को भी मिलेगी ब्याज में छूट। आगरा नगर निगम की सदन बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए, विरोधी दलों के पार्षदों ने हंगामा भी किया। अच्छा व्यापारियों के लिए देखिए, इंडियन रेलवे की नई पहल, घर तक पार्सल पहुंचाएगा रेलवे और इसके लिए स्पेशल पार्सल ट्रेनें भी चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश से इस नई पहल की शुरुआत की जा रही है। अब मतलब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, कस्बा या गांव में व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को भी रेलवे और डाक विभाग के इस जॉइंट पहल का फायदा मिलेगा। पार्सल प्रोडक्ट इंडिया पोस्ट एंड इंडियन रेलवे के नाम से नई योजना शुरू की जा रही है और इसके तहत रेलवे स्पेशल पार्सल ट्रेनें भी चलाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी कौशाम्बी में अब आशा कर्मचारियां कुष्ठ रोगियों को भी चिन्हित करेगी। सीएचसी और पीएचसी केंद्र प्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, बिजली कंपनियां अब खंभों से भी कर सकेंगी कमाई और इससे बिजली की दरों में कमी आने की संभावना है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत जो दूर संचार कंपनियां और जो केबल ऑपरेटर है ना, वो बिजली के खंभों पर अपनी लाइन खींचते हैं। आपको पता होगा, मतलब ये ब्रॉडबैंड वगैरह की जो लाइनें ले जाते हैं ना, इंटरनेट राउटर से कनेक्शन देने वाले, तो ये बिजली के खंभों पर अगर अपनी लाइनें ले जाएंगे तो उनको बिजली कंपनियों को भी कुछ किराया, कुछ पैसा भुगतान करना होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा देश में पहली बार
दूरसंचार नेटवर्क सुविधा विनियमावली 2022 के तौर पर एक नया कानून बनाया गया, और इसके तहत मतलब टेलीकॉम कंपनियां अपनी इंटरनेट की लाइनें अगर बिजली के खंभों से ले जाएगी तो उनको बिजली कंपनियों को पैसे भी देने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि इससे बिजली कंपनियों की कमाई बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत बिजली की रेटें सस्ती हो सकती है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज आएंगे और यहां पर 1294 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। महाकुंभ की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। साथ ही आज वो झांसी का दौरा भी करेंगे, यहां पर भी 307 करोड़ की 93 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। तो ये कुछ आज सीएम योगी का प्लान रहेगा। अच्छा, वही देखिए अगला अपडेट, कानपुर में हर चौराहा करेगा जागरूक, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से दी जाएगी ट्रैफिक की जानकारी, गांधी भवन की भी सूरत बदली जाएगी। आजमगढ़ कमिश्नर ने भी समीक्षा की बैठक करते हुए अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि विकास कार्यक्रमों को वरीयता दें। गाजीपुर प्रशासन ने भी अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी है कि 30 नवंबर के बाद अगर गड्ढा मुक्त सड़कें मिली ना तो फिर कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने नगर पालिका और नगर पंचायत के अफसरों को पेच कसते हुए आदेश दिया है, शहर के क्षतिग्रस्त चौराहों की भी मरम्मत की जाएगी। इसी तरह से सिद्धार्थ नगर में भी डीएम की बैठक हुई और वहां पर भी 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की और साथ ही सीडीओ को रैंडम जांच करने के निर्देश भी दिए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, मुरादाबाद का मास्टर प्लान ड्राफ्ट 2031 बोर्ड में हुआ पास, चड्डा ग्रुप और टीएमयू बनाएगा इंटीग्रेटेड टाउनशिप, दिल्ली कांट रोड पर भी बनेगा बाजार स्ट्रीट। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रोडवेज परिचालकों की यानी कि ड्राइवर्स की भारी कमी देखी जा रही है और इसके चलते देखिए हालात, आप गोरखपुर में भी 100 से ज्यादा बसें रोडवेज बसें खड़ी हुई है, कई रूटों पर रोडवेजों की सेवाएं भी बंद है, वजह ड्राइवर ही नहीं है। तो जल्द ही उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार ड्राइवर की नौकरी वैकेंसी भी यूपी में निकाल सकती है। वैसे दोस्तों अभी तो अपन उत्तर प्रदेश के कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो। मैं आपके लिए रोजाना यूपी की बड़ी खबरें लाता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से अगली खबरों की तरफ। देखिए, सोनभद्र में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, 10 चयनित ग्रामीणों को दी गई एजुकेशन किट, शिक्षा को लेकर भी जागरूक किया गया। यूपी में 5.5 लाख मरीजों के लिए निक्षय दिवस शुरू हुआ, यानी कि टीबी रोगियों के लिए टीबी दिवस शुरू किया गया। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी समेत अब सभी जिलों में हर महीने की 15 तारीख को टीबी लक्षण वाले 10% रोगियों की पहचान की जाएगी और हॉस्पिटल भी अब टीबी मरीजों को हर महीने की 15 तारीख को जागरूक करेंगे। अच्छा, वही देखिए अगला अपडेट, एटा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया धरना प्रदर्शन, अवागढ़ पीएचसी को हटाकर चरुथरा में पहुंचाने के विरोध में किसान भाई लोग धरने पर बैठे हैं। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हुनर बांच कार्यक्रम, छात्रों ने न्यूज रीडिंग, काव्य पाठ एवं एंकरिंग में भी अपना हुनर दिखाया। शाहजहांपुर में ठगी के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, देखिए मतलब लोगों के साथ किस तरह से ठगी कर रहे थे, ऐप के माध्यम से, एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों के खातों से पैसे उड़ा रहे थे। ऐसे 5 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया और बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस गिरोह में एक तो जन सेवा केंद्र संचालक भी शामिल है, मतलब जैसे ये इमित्रा वगैरह की सर्विस देते हैं ना, वो संचालक लोगों का काम करने वाले खुद अभी देखिए लोगों के साथ किस तरह से फ्रॉड धोखाधड़ी कर रहे हैं, सावधान रहे ऐसे ठगों से। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बांदा डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया कि गौवंशों को ठंड से बचाने का इंतजाम करें। बांदा में डीएम ने औचक निरीक्षण कर निर्देश दिए, टीकाकरण को लेकर भी जानकारी दी। गायों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही कि सरकारी दफ्तरों में गौशालाओं के प्रोजेक्ट सप्लाई की भी तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य ने भोती गौशाला के निरीक्षण के दौरान ये भरोसा दिलाया। अच्छा, वही देखिए, बीएससी में प्रवेश के लिए नई कट ऑफ जारी, आज से 25 नवंबर तक 11:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, 25 व 26 को 5 बजे तक जमा होंगे शुल्क। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर ये अपडेट है। साथ ही यूपी के 30 टीचर सड़क सुरक्षा का भी देंगे प्रशिक्षण, वाराणसी में स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई रोड सेफ्टी की वर्कशॉप भी। अच्छा, गोरखपुर पुलिस के लिए भी एक ट्रैफिक सॉन्ग लॉन्च हुआ, मतलब ट्रैफिक पुलिस के लिए प्रशासन ने गाना लॉन्च किया, ए भाई जरा देख के चलो वरना गाड़ी ठुक जाएगी। अब ये गाना सुना करके ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाएंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, हाथरस में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की मीटिंग हुई, व्यापारियों को भी दी गई जीएसटी और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की जानकारी। कौशाम्बी में योजनाओं से वंचित लोगों को मिलेगा लाभ, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के 18,000 लाभार्थियों का होगा सर्वे। वह देखिए, पुलिस दिवस के मौके पर हाथरस में भी मनाया गया पुलिस झंडा दिवस, एसपी ने पुलिस ऑफिस में ध्वजारोहण भी किया। हाथरस समेत यूपी के लगभग सभी जिलों के सभी थानों में ये पुलिस झंडा दिवस मनाया गया, देख सकते हैं आप, बिजनौर में भी, एटा में भी। अच्छा, वैसे एटा पुलिस ने लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा की शराब को नष्ट किया, शराब माफिया तस्करी के जरिए ये शराब जिले में लाए थे, तो एसपी ने गड्ढे में डाल करके रोड रोलर चलवा दिया, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही देखिए, हरदोई में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर डीएम ने की बैठक, कहा एसडीएम विद्यालयों की गहनता से जांच करे और सुविधाओं का अभाव हो ऐसे परीक्षा केंद्र ना बनाए। बड़ी खबर है, हमीरपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी देखी जा रही है। देखिए, अस्पताल प्रशासन ने जगह जगह डॉक्टरों की कमी के पोस्टर भी चिपकाए, 25 डॉक्टरों में से सिर्फ 8 की तैनाती है। कानपुर
जयपुर झांसी ट्रैक पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू हो चुका है और इसके चलते 4 ट्रेनें भी निरस्त हुई हैं। कई ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए। वैसे ट्रेनों को कैंसिल को लेकर कुछ अपडेट और देखिए आप। गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस समेत 30 नवंबर तक कई सारी ट्रेनें मार्ग बदल कर चलेगी क्योंकि रेलवे का डेवलपमेंट का काम चल रहा ना इसके लिए। 29 नवंबर तक ऐशबाग होकर चलेगी गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन भी, और साथ ही ऐशबाग के रास्ते ये गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। और हैदराबाद के लिए नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत भी रेलवे करने जा रहा है यूपी रेलवे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि 1,00,000 किसानों को नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि। अंबेडकर नगर में 1,10,000 किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया और इसीलिए वो पात्रता सूची से बाहर होंगे। आज से शुरू होगी महिला टीम की अग्नि परीक्षा। 102 साल में पहली बार बनी विमेंस क्रिकेट टीम। शिमला में हो रहा नॉर्थ जोन का मुकाबला, यहाँ यूपी की भी टीम खेलने के लिए गई है। परिसरीय विद्यालयों में कला संगीत के माध्यम से होगी अब पढ़ाई। देवरिया में 4 प्रशिक्षित ट्रेनर दूसरे शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देंगे और इससे छात्रों की बोरियत खत्म होगी। अच्छा, यूपी में आईएएस और पीसीएस की फ्री कोचिंग के लिए प्रवेश यानी कि एडमिशन की परीक्षा 18 दिसंबर को होगी अगले महीने, और आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 30 नवंबर तक मौका आपके पास। अगला अपडेट देखिए, आवास विकास परिषद हर शनिवार को लगाएगा प्रॉपर्टी मेला। रिक्त संपत्तियों की जानकारी भी दी जाएगी लखनऊ में। वैसे लखनऊ की लैब में भी होगी आजम खान की आवाज की जाँच। रामपुर की अदालत ने सैंपल लेने के आदेश दिए। आजम खान केस में मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, अब इसकी आवाज की टेस्ट लेबोरेटरी में की जाएगी। वही देखिए, गाजियाबाद में सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा आज। पंडित कराएंगे फेरे, मौलवी पढ़ाएंगे निकाह है। हिंदू मुस्लिम युवाओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा ये, और इस सम्मेलन में विवाह होने के साथ ही लड़कियों को 65,000 रुपए भी योगी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में जीआईएस समिट 2023 को लेकर 1,50,000 करोड़ के निवेश से खुलेंगे 6,00,000 रोजगार के रास्ते। 34 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं योगी सरकार ने। चलिए दोस्तों, अब कुछ डेंगू से संबंधित अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूपी में डेंगू इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि मानो महामारी की तरह बन गया। हालात ये कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। वाराणसी में भी डेंगू के 402 मरीज हो चुके टोटल। अधिकारी बोले कि 5 दिन में मिल जाएगी मुक्ति। गोरखपुर में भी डेंगू के 5 नए मरीज मिले, टोटल संख्या 264 पहुंची। मरीजों में 3 बच्चे भी शामिल। आगरा में भी डेंगू के 2 नए मरीज आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई गई एलाइजा जांच में हुई पुष्टि। अब तक टोटल 25 लोग डेंगू की चपेट में है यूपी आगरा में। लखनऊ में 700 के करीब पहुंच चुका डेंगू मरीजों का आंकड़ा। 62 नए मरीज के साथ 7 बच्चे भी डेंगू पॉजिटिव पाए गए। सभी अस्पतालों में डेंगू पेशेंट भर्ती हैं। हालात ये चल रहे हैं, और ना सिर्फ डेंगू की बीमारी बढ़ रही है बल्कि दोस्तों कोरोना के बाद यूपी के कई हॉस्पिटलों में कई अलग अलग बीमारियों के मरीज भी भर्ती हो रहे हैं। देखिए आप, हाथरस में भी ओपीडी में पहुंच रहे हैं 1,500 से 2,000 मरीज। 12 से 15 दिन में ठीक हो रहा वायरल फीवर। गले में भी दिक्कत हो रही है, तो ये कुछ माहौल चल रहा है। डेंगू से बचाव करें, मैं आपको हर बार बताता हूं। बच्चे बच्चों का ध्यान रखें। मच्छरों से बचाव के लिए आप रात को कोयल जलाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ओके, तो इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की यूपी में घूमने के लिए सबसे ज्यादा जगह किस जिले में है, मतलब सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर गिव अवे जीतने का भी मौका मिलेगा। गिव अवे प्राइज आपको दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वा इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ ताकि लोगों को पता चले कि उत्तर प्रदेश की खबरों का सेपरेट चैनल आ चुका है यूट्यूब पर जो डेली के डेली न्यूज देता है। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।